इस वीडियो में OHE में प्रयोग किए जाने वाले इंसुलेटर्स की इंसुलेटर टेस्टिंग मशीन के द्वारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग के बारे में बताया गया है। आज हम OHE में प्रयोग किए जाने वाले ST-BT व 9 टन पोर्सलेन इंसुलेटर की RDSO के स्पेसिफिकेशन SMI-TIMI-0042 के अनुसार टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग करेंगे। पोर्सलेन इंसुलेटर का लोड टेस्ट स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट के 55% लोड पर किया जाता है व कंपोजिट इंसुलेटर का लोड टेस्ट स्पेसिफाइड मैक्सिमम लिमिट के 70% लोड पर किया जाता है। सर्वप्रथम हम 9 टन इंसुलेटर का लोड टेस्ट करेंगे। यहाँ 9 टन इंसुलेटर को इंसुलेटर टेस्टिंग मशीन के टॉप व बॉटम होल्डिंग में फिट किया जा रहा है। इंसुलेटर को सही से फिट करने के बाद सेफ्टी नेट को बंद कर दिया जाएगा, जिससे कि टेस्टिंग के दौरान संरक्षा सुनिश्चित की जा सके। 9 टन इंसुलेटर की टेस्टिंग के लिए 6050 kg फोर्स का टेंसाइल लोड अप्लाई किया जाएगा। इसके बाद हाइड्रोलिक पंप के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। प्रेशर गेज में हम प्रेशर का इंडिकेशन देख सकते हैं। 6050 kg फोर्स का प्रेशर 1 मिनट तक अप्लाई किया जाएगा। इसके उपरांत टी पॉइंट के द्वारा प्रेशर को रिलीज कर दिया जाएगा एवं प्रेशर को रिलीज करने के उपरांत ही इंसुलेटर को टेस्टिंग मशीन से बाहर निकाला जाएगा। यहाँ इंसुलेटर को टेस्टिंग मशीन से बाहर निकाला जा रहा है। इसी प्रकार से BT इंसुलेटर की भी टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्टिंग की जा सकती है। यहाँ BT इंसुलेटर को टेस्टिंग मशीन के टॉप व बॉटम फिटिंग में एडजस्ट किया जा रहा है। BT इंसुलेटर की टेस्टिंग के दौरान 4900 kg फोर्स का प्रेशर 1 मिनट तक अप्लाई किया जाएगा। यहाँ टी पॉइंट को एडजस्ट किया जा रहा है ताकि प्रेशर पंप के द्वारा प्रेशर अप्लाई किया जा सके। प्रेशर की वैल्यू 4900 kg फोर्स पर पहुँचने पर प्रेशर को 1 मिनट तक अप्लाई किया जाएगा एवं 1 मिनट प्रेशर अप्लाई करने के उपरांत टी पॉइंट के द्वारा प्रेशर को रिलीज कर दिया जाएगा। टी पॉइंट के द्वारा प्रेशर को रिलीज करने के उपरांत ही इंसुलेटर को टेस्टिंग मशीन से बाहर निकाला जाएगा। इसी प्रकार ST इंसुलेटर की भी टेस्टिंग की जा सकती है। इंसुलेटर को टेस्टिंग मशीन से बाहर निकालने के उपरांत टेस्ट किए गए इंसुलेटर के सरफेस पर डैमेज मार्क या फिर डिस्क के चिप्ड होने की जांच की जाएगी। इस प्रकार इंसुलेटर टेस्टिंग की प्रक्रिया समाप्त होती है। धन्यवाद।